नमस्कार, पूरब टाइम्स की पेशकश फटाफट ताजे समाचार में आपका स्वागत है। लेकिन उससे पहले निवेदन है कि यदि आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कोरोना संक्रमण से बचाव और रोकथाम पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। इस अवसर पर प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, मुख्य सचिव आरपी मंडल, पुलिस महानिर्देशक डीएम अवस्थी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, सचिव सिद्धार्थ कोमल प्रदेशी और उप सचिव सौम्या चौरसिया सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। इस बीच पूर्वी लद्दाख में भारत व चीन की सीमा पर उत्पन्न मौजूदा हालत पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 19 जून को शाम 5 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। विभिन्न राजनीतिक दलों के अध्यक्ष इस बैठक में शामिल होंगे। सस्ती और हर जगह मिलने वाली दवा डेक्सामेथाजोन कोरोना वायरस से संक्रमित गंभीर रूप से बीमार मरीजों की जान बचाने में मदद कर सकती है। ब्रिटेन के विशेषज्ञों का कहना है कि कम मात्रा में इस दवा का उपयोग करने से कोरोना के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी सामने आई है। इस बीच WHO ने UK के क्लिनिकल ट्रायल के नतीजों का भी स्वागत किया, जिनमें गंभीर COVID-19 मरीजों की मौत का जोखिम घटाने में डेक्सामेथाजोन प्रभावी साबित हुई है। विदित हो कि ब्रिटेन ने दावा किया था कि यह दवाई गंभीर मरीजों को ठीक कर रही है। यह इस संक्रमण काल के लिए एक सुखद खबर है। इसके अलावा चेन्नई के न्यूक्लियर व अर्थ साइंटिस्ट KL सुंदर कृष्णा ने दावा किया है कि COVID-19 महामारी पिछले साल 26 दिसंबर को हुए सूर्य ग्रहण के साथ बढ़ी, अब आने वाला सूर्य ग्रहण यानी 21 जून से खत्म होना शुरू हो जाएगी। लद्दाख के गालवान घाटी में चीन के सैनिकों से हिंसक भड़क में छत्तीसगढ़ के जवान गणेश कुंजाम शहीद हो गए। कांकेर के कुटरोला गांव में रहने वाले गणेश की 1 महीने पहले चीन बॉर्डर पर पोस्टिंग थी। हिंसक झड़प में गणेश बुरी तरह से घायल हो गए थे। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन बचाया नहीं जा सका। सेना के अफसरों ने बताया कि गुरुवार शाम तक शहीद जवान का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव में भेजा जाएगा। 27 साल के गणेश कुंजाम जब पिछली बार घर आए थे तो उनकी शादी तय कर दी थी। उनकी शादी को लेकर घर वाले उत्साहित थे लेकिन उससे पहले ही मौत की खबर आ गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में बारहमासी खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से खुले में चरवाही की प्रथा पर रोक लगाने तथा पशुधन प्रबंधन की व्यवस्था को बेहतर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गांव में गोठानों का निर्माण भी इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया गया। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों, किसानों और पंचायत पदाधिकारियों को गांव में बैठक कर पशुओं के रोका छेखा की पुरानी ग्रामीण व्यवस्था सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इससे फसलों को होने वाले नुकसान को रोका जा सकता है। नगरीय इलाके विशेषकर सड़कों पर घूमने वाले आवारा मवेशियों पर भी कड़ाई से प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए। 30 जून के बाद सड़कों पर घूमते पाए जाने वाले पशुओं के मालिकों पर नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 19 जून से 30 जून तक सभी गांव में बैठक आयोजित कर पशुओं के रोका छोका की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। बुधवार को बिहार के मुजफ्फरपुर की अदालत में फिल्मी दुनिया से जुड़े 8 लोगों के खिलाफ एक शिकायत पत्र दाखिल किया गया, जिसमें एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद निर्माता निर्देशक करण जौहर, संजय लीला भंसाली, एकता कपूर और अभिनेता सलमान खान सहित 8 लोगों पर केस दर्ज हुआ। सुशांत सिंह राजपूत ने बीते रविवार को मुंबई स्थित अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। बॉलीवुड के कुछ सितारों और लोगों ने उनकी आत्महत्या के फैसले को फिल्म इंडस्ट्री द्वारा शोषण करने की वजह से लिया गया बताया। ओझा द्वारा दायर किए परिवार में भारतीय दंड संहिता के 306, 109, 504 का आरोप लगाया गया। इस पत्र भी कंगना रनौत का नाम भी दर्ज है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ छात्रों के अभिभावकों के द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आज यानी बुधवार को CBSE से 10वीं 12वीं की बची परीक्षाओं को रद्द करने पर विचार करने कहा है। बकौल कोर्ट इनके अंक आंतरिक आकलन के आधार पर किए जा सकते हैं। न्यायाधीश खनविलकर की बेंच ने CBSE से अपना जवाब मंगलवार तक मांगा है।
नागपुर स्टेशन पर देश की पहली ऑटोमेटिक चेकिंग मशीन लगाई है। रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने इस बारे में जानकारी दी। इस ATMA आत्मा मशीन को नागपुर स्टेशन पर न्यू एंड इनोवेटिव आइडिया एंड कंसेप्ट के तहत लगाया गया, जिससे COVID-19 यात्रियों के शरीर का तापमान की भी जांच करेगी, साथ ही फेस मास्क ना पहनने वाले यात्रियों को स्टेशन में दाखिल होने से रोकेगी। मशीन मास्क, पैसेंजर ID कार्ड, टिकट और बॉडी टेम्परेचर की जांच करेगी। नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत वार्ड 50 में छत निर्माण, पेवर ब्लॉक, शेड निर्माण एवं व्यायाम शाला का निर्माण किया जाएगा। सेक्टर 2 क्षेत्र के विकास कार्य में महापौर एवं भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने वार्ड पार्षद एवं वरिष्ठ नागरिकों की उपस्थिति में भूमि पूजन किया। वार्ड के आशा कार्यालय में पक्का छत का निर्माण एवं पेवर ब्लॉक, सड़क 16 किनारे गणेश मंच में शेड निर्माण, सड़क 15 मंदिर में टीन शेड, व्यायाम शाला, वार्ड 50 के सामने उद्यान के चारों तरफ पेवर ब्लॉक लगाई है। इसी प्रकार वार्ड 57 के क्षेत्र में भी कार्य किए जाएंगे। मौसम विभाग के अनुसार पिछले वर्ष की अपेक्षा 16 जून तक 68% अधिक वर्षा दर्ज की जा चुकी है। इसके पीछे कारण है कि इस बार मानसून पहले आया और बारिश की मात्रा अधिक रही। इस बार अच्छे मानसून के आसार है, क्योंकि इस मौसम तंत्र के अन्य भी सिस्टम लगातार सक्रिय। इन मौसमी तंत्र के प्रभाव से कल 17 जून को प्रदेश के आने वाले स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हुई, छींटे पड़े। एक दो स्थानों पर ज़्यादा वर्षा हो सकती है। प्रदेश के उत्तरी भाग तथा पश्चिमी भाग में अधिक वर्षा होने की संभावना है। मध्य क्षेत्र में कम वर्षा होने की संभावना, अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है।